हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पसलमेनिया बितंकुर में। जब मेंस एग्जाम होता है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर सरप्राइज करता है। लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस में क्वांट के लेवल ने सरप्राइज किया था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वांट लास्ट ईयर देखने को मिला था, और इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग ने सरप्राइज किया है। काफी सारे कमेंट्स देखने को मिले कि सर हमारे रीजनिंग में बहुत ही कम अटेम्प्ट हुए हैं और हमें रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ का डर लग रहा है। मैंने रीजनिंग का मार्क्स वाइज पोल भी कंडक्ट कराया है तो लगभग 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट 10 नंबर से भी कम रहे हैं, और लगभग 30% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट 10 नंबर से 15 नंबर के बीच में हुए हैं। अब यहाँ पर परेशान नहीं होना है। लास्ट ईयर जिस तरह क्वांट का लेवल आईबीपीएस पीओ मेंस में देखने को मिला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनके अटेम्प्ट 3-4 इस तरह हुए थे, और यही डर का माहौल था कि पता नहीं क्वांट की कट ऑफ निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और कट ऑफ कितनी रही थी, 2.25 जनरल की कट ऑफ। तो इस बार जिस तरह का रीजनिंग का लेवल देखने को मिला है तो रीजनिंग की जो सेक्शनल कट ऑफ है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी, और जहां तक है तो जनरल की 4 या 5 के आसपास में रीजनिंग की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो भले ही आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि हमारी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, आराम से आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो जिन्होंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया है तो एक बार कमेंट में अपने अटेम्प्ट जरूर मेंशन करें, और रीजनिंग में आपके कितने नंबर का अटेम्प्ट हुआ है ये जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।